IBN9 न्यूज में और आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। देश की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय निर्यात आयात बैंक भी आगे आया है। इंडिया के अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के विकास में उनकी बैंक भी योगदान देना चाहती है। इंदौर में परियोजना निर्यातकों के लिए वैश्विक अवसरों को बढ़ाना बैंक का उद्देश्य है। इंडिया एक्जिम बैंक ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो पुर्जों, पानी के पंप, इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई कंपनियों को सहयोग प्रदान किया है। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में एक ऐसा शहर है जो उद्योग के नाम पर कई बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों पर उनके द्वारा अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जिसमें देश के नामचीन कंपनियां इंदौर के और पूरे प्रदेश भर में कई विभिन्न प्रोजेक्ट भारत ही नहीं देश विदेशों में भी भेजा जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर मध्य प्रदेश को उद्योग में आगे बढ़ाने का लक्ष्य को लेकर एक्जिम बैंक द्वारा देश विदेश के साथ ही इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश में नामचीन कंपनियों के साथ इन्वेस्ट करने जा रही है। मध्य प्रदेश में काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सरकार बढ़ावा दे रहा है और भारत सरकार भी चाहते हैं कि एक जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन है उससे और आगे बढ़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा हो और इसी तहत काफ़ी काम हुआ है और ख़ास करके इंदौर के अगल बगल आसपास बहुत इंडस्ट्रीज़ बसे हुए हैं। आज के तारीख पे काफ़ी मात्रा में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है और जो अपने जो धार का जो नया फैसिलिटी बना है वो फैसिलिटी ज़रूर बहुत सारे ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करेगा। इस काम में हम इंडिया एक्जिम बैंक की तरफ से भी एक भाग लेना चाहते हैं और अभी हमारा एक छोटे तौर पे उसका काम शुरुआत हुआ है। एक टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है, वो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक नया सा फैक्ट्री बना के शुरुआत कर रहा है और उसका ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होने की संभावना है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN9 न्यूज के साथ। नमस्कार।